नमस्कार दोस्तों, भारत को लेकर अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल तालिबान ने एक बार फिर से भारत को आंख दिखाया है। खासतौर पे हक्कानी ग्रुप के नेता अनस हक्कानी ने जो कहा है ना, आपको खून खोल उठेगा और बोलेंगे भाई इस हक्कानी का अब सर्वनाश करो, क्योंकि ये हक्कानी ग्रुप पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर है। दोस्तों आप जानते हैं हक्कानी ग्रुप पूरी तरह से पाकिस्तान का चेला है। तालिबानी ग्रुप आज हक्कानी से ऑलरेडी परेशान है और उसी हक्कानी का बहुत बड़ा नेता अनस हक्कानी ने कहा कि भारत को हम यू भारत को हम मसल लेंगे। भारत वाले घमंड में ना रहे, भारत को पहले भी हराए हैं, हम आज भी हराएंगे। भारत का इतिहास देखो, हम लोग ने कितना दिन राज किया है। दोस्तों उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान में भारत को अगर सचमुच में बचना है तो हमारे शरण में आ जाए, उसे हम छोड़ देंगे। दोस्तों बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है हम लोगों को अब की बार आर्या पार करना ही होगा, क्योंकि ये अनस हक्कानी अगर अधिक दिन रह गया तो देखेंगे दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जिस प्रकार से दोस्तों चाइना के लिए आज विगर मुसलमान खतरा बना हुआ है, उसी प्रकार से हमारे लिए ये हक्कानी ग्रुप खतरा बना हुआ है। दोस्तों हक्कानी ग्रुप इतना मजबूत हो चुका है कि हाल ही में मुल्ला ब्रदर को गोली मार दिया था। कह सकते हैं कि हक्कानी ग्रुप का आज खासतौर पर तालिबान में दबदबा है, इसीलिए अब की बार हम लोग को आर्या पार करना होगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों अफगानिस्तान की ओर से बयाना है ना, हमारा सैनिक ऑलरेडी तैयार है, बोला है कि आओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मनसा अब की बार हम लोग पूरा कर देंगे। दोस्तों भारतीय सैनिक ने ओपनली आर्या पार का घोषणा कर दिया है, ओपनली कहा है कि इस तरह के एरू गेरू नथू खेरू के बातों में कोई ना आए, हम ऑलरेडी आतंकवादियों को पहले भी ठोकते आए हैं और अभी भी ठोकेंगे। हमें जहाँ इच्छा होगा वहाँ पे मारेंगे, कश्मीर में मारेंगे, पीओके में घुस के मारेंगे, पीओके में घुस के उसके कैंप को रहेंगे, हमें उसका उम्र। दोस्तों बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रखा हुआ कि आप लोग पूरा खबर देखिए आखिरकार अनस हक्कानी ने भारत को लेकर और क्या कहा और क्यों भारत को आंख दिखाया है। आखिरकार अनस हक्कानी का क्या मौत आ चुका है, क्या अनस हक्कानी अब अपना अंतिम क्षण में आ चुका है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से यानी कि 2-3 महीना से तालिबान वालों को एक घमंड हो गया है कि हम सुपर पावर है, हम महाशक्ति है, हमने अमेरिका को हरा दिया, हमारे आगे पीछे आज चाइना रशिया घूम रहा है, भारत को तो हम यूँ हरा सकते हैं। और दोस्तों पहले तो उन्होंने भारत को प्यार से ऑफर दिया कि आओ हमसे दोस्ती कर लो, हमसे मित्रता कर लो, हम बेहद ही खूंखार है और जो हुआ वो हुआ, फिर से आओ यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट शुरू करो, खासतौर पे अफगानिस्तानी जनता का समर्थन करो। दोस्तों ये बात तालिबान वाले और हक्कानी वाले कुछ दिन से बोल रहा था, भारत ने ओपनली मना कर दिया कि नहीं, आतंकवादी आतंकवादी होता है चाहे किसी भी रूप में हो, उसे हम तो मारते हैं, उसका हाथ हम कैसे थामेंगे। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हक्कानी वाले और तालिबान वाले ने यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर भारत का मुद्दा है, भारत का है, उसमें हम नहीं घुसेंगे, इसमें घुस के हम क्या करेंगे, हम ना तो कश्मीर में जिहाद भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, भारत सरकार हमारा समर्थन करे, हमें खासतौर पर मान्यता दे दे। दोस्तों तालिबान ने हर तरह का हथकंडा अपनाया, भारत ने पहले कहा कि तुम्हारा अंतिम समय है, तुम हाथ फिर मारो कोई दिक्कत नहीं है, और पहले भारत ने यूनाइटेड नेशन में जाकर बोला कि अगर दुनिया को सचमुच में कुछ अलग करना है, दुनिया को सचमुच में बचाना है, तो दुनिया को सोच समझ कर तालिबान को मान्यता देना होगा। दोस्तों ये बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओपनली कहा, तालिबान को मान्यता देने से पहले दुनिया एक बार फिर से सोचे आखिरकार हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह रहेगा कि किसने तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ और कौन तालिबान का साथ दिया। दोस्तों भारत ने तो मोर्चा ही खोल दिया और यहाँ तक कि तालिबान को यूनाइटेड नेशन में जाने से भी मना कर दिया, तालिबान यूनाइटेड नेशन दोस्तों जाके बोल भी नहीं पाया। कह सकते हैं कि भारत ने पूरी तरह से तालिबान को अलग थलग कर दिया। अब यहाँ पे तालिबान गुस्साया हुआ है, उसे लगता है कि हमारे लिए खतरा कौन है, वो भारत है, और यहाँ पे पाकिस्तान चाइना तालिबान को उसका रहा है कि तुम कुछ बोलो तुम कुछ बोलो, और इसीलिए दोस्तों हक्कानी ग्रुप के बड़ा नेता अनस हक्कानी ने भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, बहुत बड़ा खासतौर पर धमकी दिया है और भारत को आंख दिखाया है। आप बोलेंगे आखिरकार उन्होंने क्या किया ऐसा जो हम लोग को सोचना चाहिए और हम लोग को अब कुछ करना होगा। दरअसल हाल ही में अनस हक्कानी, आप जानते दोस्तों महमूद गजनबी जिसे हम लोग लुटेरा कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, दोस्तों महमूद गजनबी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, कितना 17 बार आक्रमण किया, इतना ही नहीं सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा, दोस्तों एक बार नहीं
सोमनाथ मंदिर को कम से कम 2 से 3 बार दोस्तों मोहम्मद गजनी ने लूटा और भारत के तमाम धन को लूट के ले गया, मंदिर को तोड़ा भी, यहाँ तक कि हजारों हजार जो पंडित पुजारी था सबका कत्ल किया, उसका हत्या किया। और दोस्तों ये आज की बात नहीं है, ये आज से लगभग दोस्तों 1000 साल पहले की बात, ये 10वीं सदी की बात है, ठीक है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसी मोहम्मद गजनवी के खासतौर पर कब्र पे जाके खासतौर पर अनस हक्कानी खूब रोया, खूब तारीफ किया। दोस्तों हाल ही में अनस हक्कानी मोहम्मद गजनी के कब्र पे गया, बोला कि ये इस्लाम का पहला योद्धा है जिन्होंने अफगानिस्तान से भारत गया, भारतवासियों का अकल ठिकाना लग गया, उसे बुरी तरह से हराया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, हमारे लिए ये गर्व की बात है। क्योंकि आज इस्लाम इतना मजबूत हुआ है, ये बात उस समय की है जब इस्लाम उतना फैला नहीं था, इस्लाम हर जगह नहीं था, लेकिन फिर भी महमूद गजनवी एक ऐसा योद्धा है जिन्होंने भारत में जाकर तांडव मचा दिया। दोस्तों उन्होंने खासतौर पर महमूद गजनवी को एक बहुत बड़ा उपाधि दे दिया, यहाँ तक कि महायोद्धा बोल दिया। कौन बोल दिया? खासतौर पर अनस हक्कानी ने बोल दिया, यहाँ तक कह दिया कि उनका जो सपना अधूरा था वो आज हम पूरा करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को हम अब अपने अंदर लेंगे। और जो सपना महमूद गजनवी देखा था, मोहम्मद गोरी देखा था, ये तमाम सपना पूरा ये तालिबानी करेगा, ये हक्कानी करेगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाला समय मेरा है और हमारा गुरु, हमारा योद्धा मोहम्मद गजनवी है, भारत को फिर से हम सलाह दे रहे हैं, चेता दे रहे हैं, हमारा साथ दे, हमारे खिलाफ़ मत जाए। हमारे खिलाफ़ जाने का मतलब है खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों अनस हक्कानी ने यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान भारत दुनिया से सीखे, चाइना से सीखे, रूस से सीखे, सब हमारे आगे पीछे कर रहा है, भारत हमसे पंगा ना ले। दोस्तों यहाँ पे अनस हक्कानी ने कहीं ना कहीं भारत को धमकी ही दिया और अपने मौत का बुलावा दे दिया, क्योंकि दुनिया जानता है कि भारत को जिन्होंने आँख दिखाया है, भारत उसका आँख निकाल ही दिया है, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर चाइना हो। दोस्तों जब चाइना हमसे नहीं जीत पाया, चाइना को हम ठुकाई करते हैं बॉर्डर पे, गलवान घाटी में उसके सैनिक को ऊपर भेजते हैं, पाकिस्तान को 70 साल से हम लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये तालिबान किस खेत का मूली है? क्योंकि तालिबान का गुरु तो पाकिस्तान चीनी है ना, जब उसके गुरु को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तालिबान किस भरम में है? दोस्तों बड़ी बात तो यह है, तालिबान को लगता है कि अमेरिका को भगा दिया तो भारत से पंगा ले लेगा। एक बात तालिबान को पता होना चाहिए, भारतीय सेना दुनिया का सबसे बेहतरीन और पहाड़ी इलाका में लड़ने में सबसे अधिक सक्षम है, चाहे चाइना हो या फिर रशिया हो, अमेरिका हो, सबसे अधिक सक्षम कौन है? वो भारतीय सेना है, वो भी पहाड़ी युद्ध में। दोस्तों आप जानते हैं अफगानिस्तान में अधिकांश पहाड़ी इलाका था, इसीलिए वहाँ पे अमेरिकी सेना लड़ने से बाज आया और लगभग हार गया। लेकिन दोस्तों हम लोग तो पहाड़ में चुन चुन मारने के लिए वाकिफ है, गोरिल्ला वारफेयर के लिए हम लोग खासतौर पर पूरी तरह से परिचित है, और हम लोग 70 साल से यही तो कर रहे हैं। आप जानते हैं कश्मीर में जो पहाड़ी इलाका, वहाँ पे कितना आतंकवादी छुपा रहता है, पाकिस्तान को हम लोग हमेशा ठोकते आए हैं, पाकिस्तानी आर्मी को हम लोग ठोकते आए हैं, जो पाकिस्तान बोलते हैं हमारे पास परमाणु बम है उसे हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो ये तालिबान किस खेत का मूली है?